Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Namaskar dosto, pichle 24 ghante mein Samajwadi Party mein Meerut Hapur Lok Sabha seat ko lekar bahut kuch badal gaya. Jo tevar the, vah bhi kafi garam ho gaye. सुनीता वर्मा को यहां से समाजवादी पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया और साथ ही अतुल प्रधान का टिकट भी काट दिया। करीब 36 घंटे पूर्व ही अतुल प्रधान यहां पर टिकट लेकर के आए थे, लेकिन रास्ते में ही योगेश वर्मा को लखनऊ बुला लिया गया था और तभी से यह लग गया था कि अतुल प्रधान का टिकट कट सकता है और योगेश वर्मा बाजी मार सकते हैं। और अंततः यही हुआ कि योगेश अपनी पत्नी सुनीता वर्मा के लिए यह टिकट पाने के लिए कामयाब हो गए। इसके विरोध में यह बातें भी निकल कर के आई कि अतुल प्रधान ने कहा कि यदि उनका टिकट कटता है तो वह अपने विधायक की पद से इस्तीफा दे देंगे। इस आशय की खबरें भी खूब प्रचारित की गई, सोशल मीडिया पर भी खूब चली और कुछ ही समय बाद जब अखिलेश यादव ने कड़ा रुख अपनाया तो अतुल प्रधान को यह कहना पड़ा कि जो पार्टी नेतृत्व का निर्णय है वह शर्मा थे। इसके बाद लगातार ये खबरें भी उड़ी और चलिए कि अतुल प्रधान भाजपा में जा सकते हैं और आज सुबह फिर एक बार के रालोद में भी उनका संपर्क चल रहा है। कल रात वह फेसबुक पर लाइव आए और उन्होंने बहुत कुछ बातें कही। उसमें उनका यह भी कहना था कि अगर जिंदा हैं तो सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ हम जिंदा हैं। उसके कई हितार्थ भी निकाले गए और अटकलें लगाई गई कि हो सकता है कि अतुल प्रधान कुछ ऐसा प्रत्याशित करें जो ना ही तो योगेश वर्मा ने सोचा हो और ना ही समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने। आज 3 बजे एकाएक ही विधायक अतुल प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पिछले 24 घंटे से जो खबरें हवा में तैर रही थी उनके राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक कदम पर लगातार क्वेश्चन मार्क लगा रही थी, उन पर उन्होंने विराम लगा दिया। आज अतुल प्रधान ने कहा कि वह समाजवादी पार्टी को कहीं भी छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। इसका कारण भी है, अतुल प्रधान एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वह जो भी कदम उठाते हैं बेहद ही सोच समझ कर उठाते हैं, इसलिए जो उनके बेहद जानकार लोग हैं उनका शुरू से ही मत था कि अतुल प्रधान भाजपा या रालोद में जाने की गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि करीब 20 साल से वह समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कहा कि वह किसी भी दल में समाजवादी पार्टी को छोड़ करके नहीं जा रहे हैं और अगर ऐसा है तो कोई किसी के पास ऐसा कोई सबूत है तो वह दिखाए, कोई फोटो है तो वह दिखाए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वह उनके सरमाथे है। अब वह सुनीता वर्मा को, जो कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन साथ ही वह यह कहना भी नहीं भूले कि भले ही उनके चुनाव में, यानी कि उनकी पत्नी सीमा प्रधान के चुनाव में योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा ने भले ही साथ ना दिया, लेकिन इस चुनाव में वह सुनीता वर्मा का पूरा साथ देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा सीधे ही हम आपको दिखाते हैं, देखिए। समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमें सम्मान दिया, हमें मौका दिया। हमारी नज़दीकी माननीय अखिलेश यादव जी से काफी लंबे समय से है और कई बार पार्टी दल फैसले लेती और जब फैसला शीर्ष नेतृत्व का होता है तो मेरे हिसाब से उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी को उससे लाभ मिल जाए या ऐसा हो सकता है किसी को राजनीतिक या पॉलिटिकल या सामाजिक लाभ ना मिल पाए, लेकिन पार्टी फैसला लेती है। चुनाव एक ही व्यक्ति लड़ पाता है, लेकिन मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे 2012 में सिर्फ संघर्ष के बलबूते सरदना से MLA का टिकट मिला। हम लोग चुनाव हारे, उसके बाद में यूथ के स्टूडेंट विंग के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उसके बाद 17 में हम लोग फिर MLA का चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए। उसके बाद 22 में हम MLA बने, सरदना की महान जनता ने हमें MLA का चुनाव जिताया।
वहां के सब हिंदू मुसलमान भाइयों ने, अगड़ों ने, पिछड़ों ने, शोषित वंचितों ने हमें मदद की। अभी मेयर का चुनाव लड़ने का मौका भी पार्टी ने दिया था, हालांकि हम नहीं जीत पाए। कुछ समीकरण बने जो चीजें नहीं आपके सामने हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें और सामने वाले व्यक्ति को बुलाया था और काफी देर तक वार्ता हुई और उस वार्ता के क्रम में उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी ने अधिकृत किया चुनाव लड़ने के। तो जो उनका डिसीजन हुआ उससे अलग हटने का तो कोई मतलब नहीं है। अभी कल से जैसे ही सवेरा मतलब ये प्रकरण हुआ तो कई जगह खबर चली कि अतुल प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं, फिर खबर चली कि अतुल प्रधान किसी और पार्टी से भी सिंबल लेकर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं। कई जगह से खबर आई कि भाई अतुल प्रधान किसी दल पार्टी में जा सकते हैं और यहाँ तक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके की फोटो चलने लगी कि शाम को 4 बजे अतुल प्रधान पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी सरकार वाली पार्टी वो ज्वाइन कर रहे हैं। अब पता नहीं, मैंने आज इसीलिए वो सारी बातें क्लियर करने के लिए मैंने आप सब प्रेस के साथियों को यहाँ पर बुलाया है और मैं बड़ी साफ साफ गोई साहब को ये बताना चाहता हूँ कि दल और पार्टी बदलने का निर्णय ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। ये कोई अचानक लिए गए निर्णय नहीं होते। ये कोई एकदम ऐसे नहीं है कि किसी ने बोल दिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चल गया और दल पार्टी बदल ली या दल पार्टी बना ली। ये ऐसी चीज नहीं है। अगर भविष्य में इसको आप अन्यथा ना लेना, अगर मान लिया हमारे मन में कोई बात हो तो अतुल प्रधान कम से कम ऐसा व्यक्ति है कि सबसे पहले जिन्होंने हमारी शुरुआत कराई, हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उनसे ये वाली बात बताएं। पर ऐसी चीज नहीं है, मान लिया हमारे उनके रिश्ते को खराब थोड़ी ना है। उनके हमारे रिश्ते खराब नहीं है, उनके हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और अगर मैं सोचता हूँ खराब रिश्ते होते तो कैसे एमएलए बन पाते, अगर खराब रिश्ते होते तो वो कैसे अभी हमारा एमपी का टिकट हो जाता। ये पार्टी का कुछ निर्णय रहा होगा, क्या पता कितने लोग उसमें हों। हम नहीं कहना चाहते, लेकिन बस हम इतना कहना चाहते हैं सभी कि पार्टी 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 जो है आगे बढ़े और पार्टी जो है किस तरीके से ये लोकसभा चुनाव जीते। हमारी खबरें गलत है। मेरा एक सवाल ये है, जब मेयर का चुनाव हुआ तब आपकी पत्नी सीमा प्रधान चुनाव लड़ी थी, बिल्कुल शाहिद मंजूर किसी मंच पे नजर नहीं आए, हाजी रफीक अंसारी। मैं सारे मंचों पे नजर आऊंगा और शाहिद मंजूर साहब हमारे बड़े हैं, शाहिद मंजूर साहब मुझे कोई आदेशित करेंगे कोई बात मैं उनकी बात को मानूंगा। ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये उनसे बनता है, मैं उनके चुनाव में नजर आऊंगा। पार्टी छोड़ने की, इस्तीफा देने की सभी खबरें गलत हैं। जिस तरीके से आप अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ सकते, ऐसी में राजनीतिक सामाजिक जीवन को सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, ऐसी में सामाजिक राजनीतिक जीवन को नहीं छोड़ सकता। जहाँ तक आपका विषय है जी, आप मेरे बराबर में माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे, इधर महानगर अध्यक्ष जी बैठे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई है कि सब लोगों की सारी भ्रांतियां निकल जाएं और मैं और आप सुख चैन से ये वाला लोकसभा का चुनाव लड़ें और लड़ाएं। अब योगेश को चुनाव लड़ाएंगे, बीजेपी नेताओं के संपर्क में है या नहीं, जरा ये भी बता। सीधा जवाब ना है, ना है। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि जाइए लद्दाख, वहाँ पर चुनाव लड़ाइए तो लड़ाएंगे। अच्छा। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि आपको संगठन में आके काम करना है, चुनावी राजनीति नहीं करनी तो करेंगे, पल्लवपुरम जाएंगे। सुन लो, पल्लवपुरम जाएंगे। समाजवादी पार्टी की वो उम्मीदवार हैं, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि उनको चुनाव न लड़ाए। समाजवादी पार्टी जहां पर भेजेगी, जिसको चाहेगी, जिसने अधिकृत किया समाजवादी पार्टी को, चुनाव ना लड़ाने का मतलब ही नहीं बनता। टिकट देने का अधिकार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है, जिसका वो चाहेंगे उसका टिकट होगा। और वो टिकट को भरने के बाद भी अगर हमसे ये कहेंगे, अगर मैं टिकट कोई भरने जा रहा हूँ कि टिकट को वापस ले लीजिए, तो उनका अधिकार हम वापस ले लेंगे। मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ, अगर माननीय अखिलेश यादव जी मुझसे आज ही कहे ये बात
कि अपने एमएलए से इस्तीफा दे दो। देखिए रेतत की बात कर रहा हूँ, अगर वो कहें कि भाई आपको ये संगठन का काम ये करना है तो मैं वही काम करूंगा जो मुझे काम दे। जयंत चौधरी कह रहे हैं, जयंत चौधरी ने कहा कि कुछ ही घंटों के लिए प्रत्याशी बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहना है? अच्छा मैंने अपनी प्रेस की आपसे बुलाई है और जयंत चौधरी जी ने जो बोला है या सोशल मीडिया पे जो चीज चल रही है, क्या पता ऐसी चल रही हो जैसे कल से हमारी खबर चल रही है। एक लाइन में जवाब ये है, जो पार्टी का दिशा निर्देश हो सब मानेंगे हम। दिशा निर्देश ये माला है कि सरकार को जो सरकारी पार्टी है उसको चुनाव हारनी चाहिए पार्टी। अच्छा पार्टी का निर्देश मानेंगे क्या? मैं अपनी बहन से ये वादा कर रहा हूँ, जहाँ समाजवादी पार्टी जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाएगी वहाँ वहाँ काम करेगा। और जहाँ भी समाजवादी पार्टी के सुन लीजिए, जहाँ समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी देगी, यहाँ तो भाई हमारी जिम्मेदारी मेरठ तो है ही, सल्तनत तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी देगी, जिम्मेदार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है।